हाय फ्रेंड्स, मणि मेकर में आपका भरे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले टाटा स्टील के बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैं बोला हूँ, 330 इसका नेक्स्ट वीक का टारगेट रहेगा और लॉन्ग टर्म टारगेट जब भी ये 350 का जो बाउंड है, 345 से लेकर 350 तक, ये रेंज अगर इसने क्लियर कर दिया तो 400 के लेवल भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा आपको टाटा मोटर्स में। ये बहुत बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑटोमोबाइल और कार का, आपका इलेक्ट्रिक कार का भी, इसका बहुत सारे सेक्शंस है जो आपका अभी प्लांट में काम चल रहा है और बहुत सारा प्लांट अभी ड्यू टू लॉकडाउन के चलते आपका काम बंद हो चुका है, तो इसलिए थोड़ा बहुत ये आपका कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी लॉकडाउन सारे स्टेट में और नॉर्मल लाइफ में हम आ जाएंगे तो ये टाटा मोटर्स यहाँ पे रहने वाला नहीं है और ज़्यादा आगे मूव दिखाएगा, क्योंकि इसके पास बहुत सारा पेंडिंग ऑर्डर्स पड़ा हुआ है जिसमें ये और पेंडिंग ऑर्डर्स और पेंडिंग प्लान पड़ा हुआ है दोस्तों, जिसमें ये अपना एग्जीक्यूशन करेंगे। एंट्री पॉइंट ओवरबॉट जोन में नहीं है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और मनी फ्लो इंडेक्स दोनों 70 के नीचे है और देख सकते हो PB 1.49 और सेक्टर PB के आधे में है। 57% एक्सपर्ट अभी भी बाइंग के राय दे रहा है। तो 330 इसका नेक्स्ट वीक टारगेट रहेगा दोस्तों, और 28 मई तक ये टारगेट अचीव होता देखेगा। जैसे कि मोटर व्हीकल पे ये काम करता है, मैं बता ही हूँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर का प्रोडक्शन से ह्यूज क्वांटिटी में करते हैं, ह्यूज, जैसे कि टियागो, बोल्ट, ये सब इसी का प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ ये नहीं, और इसका आगे आने वाले आपका कोर पोर्टफोलियो में रख सकते हो इसको, लेकिन आपका 2% पोर्टफोलियो का ये टाटा मोटर्स खरीद कर रख सकते हो, क्योंकि अभी देखो लॉस कर रहा है, प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन है। तो इसका जो जब जब ये नॉर्मल लाइफ में आएंगे, वैक्सीनेशन बढ़ेगा, इनका कस्टमर डीलिंग बढ़ेंगे, तब तक इसका 400 के ऊपर चला जाएगा दोस्तों। 346 से 50 का रेंज पहले इसको ख़त्म होने के बाद 400 पे चला जाएगा। लो प्लेस प्रमोटर होल्डिंग है और 380 का टारगेट दिया हुआ है, ये कल का ही रिपोर्ट आया हुआ है, लेकिन 346 से 350 के बाद बाइंग करना। अभी तक अगर 330 से लेकर 340 का रेंज तक आप बाई कर सकते हो और उसके बाद सेल कर दो दोस्तों, क्योंकि जब ये 346 से लेकर 350 का लेवल तोड़ देगा, 355 के आसपास आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो, तब वो 400 प्लस आपका टारगेट रहेगा। अब देख सकते हो कि इलस्ट्रेनियस मल्टीपल आपका ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन करता है, ROC 6% है और ROE अभी लॉस में दिखा रहा है, क्योंकि अभी रेवेन्यू ज़्यादा प्रॉफिट कलेक्ट कर नहीं पाया है ड्यू टू पैंडमिक सिचुएशंस। मोस्ट ऑफ द प्लांट इसका बंद पड़ा हुआ है और जितने भी आपका एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो कर नहीं पा रहा है। अभी देखो 50 डेज DMA जो येलो लाइन को टच कर रहा है, तो ये फ्रेश ब्रेकआउट जब भी देखा, देखो 350 के आसपास से घूम के बार बार आ रहा है, तो 350 को जब भी क्रॉस करेगा तब अपना बाइंग पोजीशन बनाना, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके, और प्रोमोटर अपना जो बिजनेस मॉडल उनको कॉन्फिडेंस है, तभी 4.02% लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज किया है। तो प्रोमोटर को बिजनेस मॉडल के बारे में सबसे अच्छा खबर रहता है कि उनको कौन सा चीज़ करना चाहिए, और इसका उन पे भरोसा रहता है, बिजनेस मॉडल पे, बिजनेस एक्सपेंशन पे, तभी जाके वो दोस्तों इन्वेस्ट करता रहता है। तो ऐसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 11,500 करोड़ के आसपास है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और सेल्स का देखो कितने ज़्यादा मार्जिन है, तो 2,19,000 करोड़ का आपका इसका प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है। ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स का देखो नेट प्रॉफिट, सब ये सब थोड़ा सा ग्रोथ स्लो क्यों दिखा रहा है दोस्तों, ग्रोथ स्लो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पैंडेमिक के चलते इसका काम रुका पड़ा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर जो बाहर से आते हैं वो, ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर जो बाहर से आते हैं वो आ नहीं पा रहे, तो इसी बेसिस पे प्रोडक्शन बंद होकर पड़ा हुआ है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी इसका प्रोजेक्ट लाने वाला है 2023 से, तो वो 2025 से पूरा एकदम इलेक्ट्रिकल व्हीकल, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडिया में इसी का रहेगा, टाटा मोटर्स का। तो उस हिसाब से आप अपना पोजीशन बनाओ फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके, ये मल्टीबैगर बनने वाला है और बड़ा रिटर्न देने का दम रखता है, लेकिन अभी 330 नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिला है। गवर्नमेंट भी इसको स्टॉक होल्ड करके रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और फ्रेंड।